नमस्कार, वेलकम टू होम मेकिंग 101। आज मैं आपको भरमा टिंडे कैसे बनते हैं वो बताने जा रही हूँ। टिंडे ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते क्योंकि ज़्यादातर ये ग्रेवी वाले ही बनाए जाते हैं। मैं आपको भरमा टिंडे बनाना बताऊँगी। भरमा टिंडे क्रिस्पी बनते हैं, उसको तो मेरा 4 साल का पोता भी बड़े शौक से खा लेता है। टिंडे बनाने के लिए हमें सूखे मसाले चाहिए जो कि हमारी किचन पेंट्री में आराम से मिल जाते हैं। इसमें मेन मसाला सौंफ है जिससे टिंडों में अलग ही फ्लेवर आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टिंडे कैसे बनाने हैं। मैंने इसके लिए 10-12 टिंडे लिए हैं। टिंडे एक ही साइज के लेने हैं, टिंडे बड़े छोटे नहीं लेने हैं। अगर बड़े छोटे टिंडे होंगे तो बड़े कच्चे रह जाएंगे और जो छोटे हैं वो जल्दी से पक्के तैयार हो जाएंगे। मैंने टिंडों को छील कर धोकर तैयार कर लिया है। फिर इसमें 2-2 कट लगाए हैं। कट ऐसे लगाने हैं कि बेस भी अलग नहीं हो और टिंडों का कट भी डीप हो जाए, क्योंकि टिंडों में मसाला भरना है। मसाला अच्छे से भरेंगे तभी टिंडों में टेस्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मसाले चाहिए। टिंडों में भरने के लिए 2 बड़े चम्मच सौंफ ली है जिसको कि मैंने मिक्सी में पीस कर तैयार किया हुआ है। 1 चम्मच देगी मिर्च ली है, 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1/4 स्पून हींग ली है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच धनिया लिया है। अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च भी ले सकते हो। देगी मिर्च से कलर थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा लेके सारे टिंडों में मैंने भर दिया है और टिंडे ऐसे भर के अलग से रख लिए हैं। उसके बाद एक भारी तले की कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई को गैस पे रख के उसमें 1/2 स्पून तेल के डालने हैं। जब तेल गर्म हो जाए, अच्छे से तेल गर्म हो जाए, तो इनमें टिंडे डालने हैं। टिंडा एक एक करके डालना है ताकि टिंडों का मसाला निकले नहीं। आराम से टिंडे डाल देने हैं। और एक और बात है कि टिंडों को आपने ढकना बिल्कुल नहीं है। अगर ढकेंगे तो इनमें पानी आ जाएगा, क्योंकि टिंडों में ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा होता है। हमने टिंडे बिल्कुल उसको कढ़ाई को खोल के बनाने हैं, कढ़ाई के ऊपर ढक्कन नहीं रखना है। जब आप 5 मिनट बाद देखोगे कि टिंडे हमारे ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। हमने टिंडों को हल्के हाथ से उल्ट पलट चारों तरफ से हमने ब्राउन कर लेना है। देखेंगे कि 20-25 मिनट के बाद ये टिंडे सारी तरफ से ब्राउन हो जाएंगे। और टिंडों के लिए गैस भी बिल्कुल सिम रखनी है, गैस को हमने तेज नहीं करना है। अगर हम गैस तेज कर देंगे तो हमारे टिंडे जल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि ये टिंडे हमारे तैयार हो गए हैं। अब उसके बाद हम इसको पत्ती परौंठा और तंदूरी रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। अब आप देखोगे कि ये कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और मसाला बच गया है। मैं इसके लिए आपको बताऊंगी कि इनमें प्याज कैसे बनानी है। ये भी बहुत टेस्टी बनती है। प्याज मैंने वही मीडियम साइज के लिए है। मैंने 8-10 प्याज ले लिए हैं। इनको मैंने छील कर धोकर तैयार कर लिया है और एक साइड पे रख लिया है। फिर देखते हैं इसके लिए क्या क्या मसाले चाहिए। इसके लिए भी सूखे मसाले चाहिए और इसमें जो मेन मसाला है वो सौंफ है और हींग है, क्योंकि इनकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और ऐसे ही प्याजों में कट लगाना है, 2-2 कट लगाने हैं। कट ऐसे लगाने हैं, टॉप की तरफ से लगाने हैं और जो जड़ होती है नीचे उसकी रूट होती है उसकी तरफ से कट नहीं लगाना है। अगर हम उसकी तरफ से लगाएंगे तो प्याज अलग हो जाएगा। ऊपर से कट लगाने हैं, 2-2 कट लगाने हैं। कट थोड़ा डीप ही लगाना है। कट लगा के उनको एक साइड पे रख देना है। अब हम देखते हैं कि क्या मसाले चाहिए। इसके लिए मैंने 2 चम्मच सौंफ, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है प्याज में, मैंने तो 1 चम्मच ही डाला है, आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो। 1 चम्मच देगी मिर्च ली है, इसमें ऑर्डिनरी मिर्च भी ठीक रहती है क्योंकि इसमें कलर तो वैसे ही आ जाता है। 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच धनिया और 1/4 चम्मच मैंने हींग ली है। इन सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके थोड़ा थोड़ा ले के सारे प्याजों में भर दिया है, सब में बराबर बराबर भर दिया है और इनको एक साइड पे रख लिया है। अब जो कढ़ाई में हमारा मसाला बचा था उसको गैस पे रखते हैं। अगर हमको लगता है कि ये हमारा तेल कम है तो उसमें जरा सा तेल आप और ऐड कर सकते हो। फिर उसमें ऐसे ही हमने एक एक करके प्याज रख देना है और इसके लिए मीडियम गैस रखनी है, ज़्यादा स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमने प्याज हिलाने हैं। प्याज हमारे 10 मिनट में बन के ब्राउन हो जाएंगे।
हमने ऐसे इनको पलट उलट के सारी तरफ से इनको पका लेना है। प्याज हमारे तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज के प्याज नहीं है, बड़े प्याज हैं, तो आप उनको चार चार पीस करके भी ऐसे ही तेल में डाल के मसाले डाल के तो पका सकते हो। ये प्याज बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं और पराठे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप देखोगे कि सारे ही इसको पसंद करेंगे। प्याज ये नई डिश है, आप इसको साइड डिश भी यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसी डिलीशियस वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।